बांका जिला का बिरोल थाना क्षेत्र के अभी हम लोग भवानीपुर नवटोल में मौजूद है। यहाँ एक छोटे से बच्चे को एक बस जो है दरभंगा से कुशेश्वर जाने वाली जो बस होता है वो इतना तेज रफ्तार में था कि एक बच्चे को रौंद दिया है। बच्चे की घटनास्थल पर मौत हो गई है। तमाम यहाँ के जो लोग हैं वो भीड़ इकट्ठा हो गई है, प्रशासन के आने का इंतजार किया जा रहा है। अंचल अधिकारी आदित्य शंकर और उमेश कुमार भारती अनुमंडल पदाधिकारी ये मौके वारदात पर पहुंचे हुए हैं। लोगों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि बच्चे जिनका घटना हुआ है उनके परिवार वालों से बातचीत की जा रही है, लेकिन लोगों में जो आक्रोश है, देखिए तमाम जो यहाँ के महिलाएं हैं खास करके इस यहाँ पर देखिए कितने भीड़ है, और एक बार जो दरभंगा से आ रही थी उसको यहाँ रोक दिया है ताकि इसके आगे कोई गाड़ी ना जाए। रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। तमाम जो यहाँ के लोग हैं वो सब लोग इकट्ठे हैं। उधर बिरोल थाना की जो पुलिस है उसके आने की इंतजार की जा रही है। तमाम जो बातें हैं वो ये है कि गाड़ियां जो दरभंगा से जाती है मौजूद भी गाड़ियों की रफ्तार कम नहीं हो रही है। तेज रफ्तार का कहर जो है कहीं ना कहीं वो रोज आए दिन और खास करके दरभंगा जिला में हर रोज एक दुर्घटना होता है जिसमें एक मासूम बच्चे की जान जा रही है। तमाम यहाँ पर लोग हैं, देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। क्या हुआ है थोड़ा बताइए, यहाँ पर क्या कुछ घटना हुआ ये बताइए, क्या घटना हुई है, क्या घटना हुई है? देखिए किसी को नहीं पता है, जानते हैं ये यहाँ जो है जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए सब सिर्फ तमाशा देखने आए। तमाशा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि यहाँ एक बच्चे की मौत हुई है। मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ से आ गया जानकारी के बाद और यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, किसी को कुछ नहीं पता। आइए जल्दी अभी तमाशा मत देखिए। देखिए सब लोग यहाँ आए हैं, सबको पता है यहाँ क्या हुआ है, लेकिन कैमरा पर कोई नहीं बोलेंगे। इधर बच्चे का सब है कुछ। आज जो बिरोल में एक और घटना हुई है इसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई है और कहीं न कहीं इस घटना से पूरे गांव के जो इलाके के लोग हैं वो सहम गया है। और एक तेज रफ्तार की जो बस जाती है खास करके दरभंगा केसरी का ये वारदात लगातार हो रहा है जिसमें एक मासूम बच्चे को रौंद दिया है पूरी तरह से। देखें आगे एक बांस है जो बीच रोड पर रख दिया गया है, एक तरफ बस खड़ी है और एक तरफ पुलिस की गाड़ी है, तमाम रास्ता जो है वो बंद है। दरभंगा कुशेश्वर स्थान का जो मुख्य मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित है। एक बार कैमरा मूव कीजिए और पीछे की तरफ दिखाइए। देखिए मैं जब चल रहा हूँ तो मेरे साथ हजारों की भीड़ चल रही है, ये लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं जानकारी है। जब मैंने यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, पूछने का प्रयास किया कि घटना क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो किसी ने नहीं कहा। कैमरे पर पता है क्या हुआ यहाँ पर? नहीं मालूम है। पता है किसी को? पता है जी, आपको पता है? जी पता तो नहीं है, लेकिन ये हुआ है कि मर्डर हुआ केसरी से, ठीक है ना, केसरी से। हाँ, लेकिन केसरी वाला है ना इतना फास्ट चलाता है ना, ओवरटेक जितना भी गाड़ी आता है साला इतना फास्ट चलाता है, पूछिए मत। आज केसरी मालिक यहाँ आएगा उसके बाद हम लोग वोट क्लियर करेंगे। ये बताइए प्रशासन, प्रशासन आई है, प्रशासन आप लोगों से बातचीत किया है, बैठे हुए हैं? बातचीत हुई नहीं, हम लोग फिलहाल अभी आए हैं। अच्छा, है फिर से ना, हमको पता नहीं कुछ। ये घटना कितना देर पहले हुआ था? कौन घटना? ये जो घटना हुआ था अभी आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा पहले, आधा घंटा। दरभंगा केसरी ने किया? दरभंगा केसरी, लेकिन इतना फास्ट चल रहा है ना, तो पूछिए मत। उनको सबक सिखाना है, केसरी का मालिक यहाँ पाएगा उनके बाद ही उस गाड़ी रोड। दरभंगा केसरी लगातार जो है तेज रफ्तार में चलता है, हमेशा ओवरटेक करता है, ओवरटेक से ही मारा बोलता है कि हम आगे हो, बोलता है हम आगे हो, इसी बीच में जो आता है चपके रह जाता है। अब समझिए ये क्यों पूरा मामला होता है, ये प्रक्रिया थोड़ा जान लीजिए। दरअसल होता ये है कि दरभंगा से जो भी बस खुलती है, चाहे वो दरभंगा केसरी हो, जानकी हो, या फिर दरभंगा से जाने वाली जितनी भी बसें हैं वो कुशेश्वर स्थान जाती हो या सहरसा की तरफ जाती है, तमाम बसें इसी रूट से होकर कोठी चौक से कुछ सहरसा की तरफ मुड़ जाती है, कुछ बसें सीधे कुशेश्वर स्थान जाती है। सभी बसों का एक टाइमिंग होता है, हर 2 मिनट में बस स्टॉप से एक गाड़ी खुलती है और सबको टाइमिंग होता है कि अपने सीमित समय पर अपने जो स्थान है वहां पहुंचाना है। लेकिन होता यह है कभी कभी बस थोड़ी धीमी होती है, भीड़ में जाम में फंस जाने के कारण थोड़ा लेट हो जाता है। इसके बाद जब उन पर प्रेशर होता है तो उस गाड़ी को फिर वो तेज रफ्तार में दौड़ाता है और जल्दी से समय पर पहुंच जाए, सवारी मेरा मिस ना हो, इस वजह से किसी के ऊपर भी चढ़ा देता है। लगातार दरभंगा से कुशेश्वर स्थान जाने वाली जो बसें हैं लगातार ऐसी घटना होती है। और कि नवटोल गांव में आज जो घटना हुआ भवानीपुर में ये भी काफी हैरान करने वाला है कि एक छोटा सा मासूम बच्चा सड़क के इस पार से उस पार दौड़ रहा था और अचानक तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ कर आई और उस बच्चे को रौंदती हुई चली गई। हालांकि आगे बिरोल थाना ने तत्परता दिखाया और पुलिस ने उस गाड़ी को पकड़ लिया है। अब ये गाड़ी पुलिस के कब्जे में है, ड्राइवर
कहाँ है ये पता नहीं, ड्राइवर कुछ पता चला है क्या? नहीं, ड्राइवर भाग गया। थाना में? थाना में है। अच्छा चलिए, ड्राइवर भी अभी पता चला कि पुलिस के पास है, क्या कुछ मामला है? यहाँ पर अंचल अधिकारी आए हैं, SDO साहब आए हुए हैं, तमाम जो प्रशासन है उनकी गाड़ी आई है, तमाम लोग जो पीड़ित परिवार है उनसे बात किया जाएगा। और लोग जो है काफी आक्रोश में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आक्रोश में इसलिए है, देखिए कोई भी ड्राइवर कभी नहीं चाहता होगा कि उसके गाड़ी से कोई दुर्घटना हो, लेकिन ये संभव नहीं है। दुर्घटना जब भी होता है, छोटे बच्चे या फिर स्कूल जाने वाले जो छात्र छात्राएं, अक्सर इससे पहले 2 महीना पहले 3 महीना पहले एक घटना और हुआ था जिसमें एक छोटी से मासूम बच्ची सड़क के इस पार से उस पार दौड़ रही थी, उस पर भी दरभंगा केसरी का ही बस चढ़ गया था और एक और दरभंगा केसरी ने बस को रौंदा है। ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ के लोग बता रहे थे। क्या दरभंगा केसरी का ही बस था? हाँ, दरभंगा केसरी का ही बस था, उसमें कोई ड्राइवर नहीं है, बच्चा बच्चा सब चलाता है उस गाड़ी को। बच्चा चलाता है? हाँ, उस गाड़ी पे जो है ड्राइवर 15 साल आदमी ऐसे चलाते ड्राइवर, पुराना ड्राइवर भी नहीं है। मतलब नए ड्राइवर होते हैं? नए ड्राइवर होता है, नए ड्राइवर चलाता है ना, सब पूछिए मत, मतलब ब्रेक पर लात भी नहीं देता है। अच्छा, समझे ना, नए ड्राइवर होता है ये भाषा बता रहे हैं। हालांकि ये घटना काफी दुखद है, इस घटना के बाद देखिए तमाम जो लोग हैं उनमें काफी आक्रोश है, काफी नाराजगी है। प्रशासन यहां पहुंचे हैं, प्रशासनिक स्तर से बातचीत की जा रही है और पीड़ित परिवार से बातचीत की जा रही है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस मामले को यहां जो लोग हैं उनको समझाया जा सके, इस भीड़ को खत्म किया जा सके और आवाजाही जो अभी तक रुका हुआ है वो फिर से पुनः बहाल हो सके। देखिए तमाम लोग इस तरफ दौड़ रहे थे, सभी लोग वहाँ जा रहे हैं क्योंकि थाना की पुलिस आई है, वो जा रही है, जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत किया जाएगा, घटनास्थल पर तमाम जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ आए हैं, सब लोग उनसे बातचीत की जा रही है। देखिए इस तरह के जो घटना होती है इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं संचालक का, खास करके बस संचालक का, कि अपने ड्राइवर पर किस तरह से नियंत्रण करना है और कैसे इस घटना पर अंकुश लगे और कैसे लोग सुरक्षित महसूस कर सके, और खास करके जहाँ पर आबादी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर उनका जो गति है वो 20 से 40 का जो गति होता है वो लिखा होता है, उसके बावजूद भी गाड़ी का रफ्तार इतना तेज होता है कि ऐसे घटना देखने को मिलता है, सुनने को लगातार मिलता है। दरभंगा जिला का ये पहला घटना नहीं है, ऐसे महीने दो महीने में एक आध बार ये घटना हो जाता है और आज भी एक और घटना हुई है जो आपके स्क्रीन पर है, आप लगातार देख पा रहे हैं कितने सारे लोग यहाँ भरे पड़े हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम कुछ और भी खबरें दिखाएंगे।